सफाई खत्म हो गई है और इन लाइटों का थोड़ा सा काम करने वाला है। ये बाहर निकल आई है, ये बॉक्स मैंने अपने हाथों से खुद बनाया है और ये वहाँ लगेगा ताकि उस स्विच को कवर कर सकें। इसके अलावा RGB लाइट्स मैंने लगाई हुई हैं जो इधर नीचे बोर्ड से स्टार्ट होती हैं और LCD के पीछे दो दफ़ा घूम कर फिर नीचे जाती है और दूसरे एंड पे जाकर ख़त्म होती है। ये रिमोट कंट्रोल है और इसकी लाइटें इसके रिमोट से चेंज होती हैं। इसके अलावा इसमें हमें जंप, फेड और ऑटो या फ्लैश जैसी ऑप्शंस भी देखने को मिल जाती हैं। बात सिर्फ यहीं ख़त्म नहीं हो जाती, ये सारा सिस्टम मेरा रिमोट कंट्रोल है। मैं इसे अपने मोबाइल से यहाँ बैठा हूँ या दुनिया के किसी दूसरे कोने में मैं कंट्रोल कर सकता हूँ। मैं इसे कहीं से भी बैठा ऑन ऑफ भी कर सकता हूँ और इसके कलर भी चेंज कर सकता हूँ अपनी मर्जी से। लाइट तक तो ठीक है, लेकिन कंप्यूटर का क्या यार? कंप्यूटर भी मैं अपने मोबाइल से कंट्रोल कर सकता हूँ। पैंट की निप से लेके पैंट की जिप तक हर एक चीज़ रिमोट कंट्रोल है। तो जो इसकी सेकंड ऑप्शन है वो इस वाले प्लग की है जो आप ऑन भी कर सकते हो और ऑफ भी कर सकते हो। ये भी कंप्लीट RGB है और इसे भी कलर चेंज इसके भी किए जा सकते हैं। इसके बाद मेरा लैपटॉप आ जाता है i5 6th generation 1TB SSD के साथ। मैं PC इसलिए नहीं लेता क्योंकि जब भी चाहूँ मैं इसे ले कैरी कर सकता हूँ और जब भी चाहूँ इसे LCD के साथ कनेक्ट करके बड़ी LCD पे मज़े उठाए जा सकते हैं। LCD के नीचे जो बेस ट्यूब पड़ी है इसका क्या एक खतरनाक साउंड है। ये इम्पोर्टेड है और मैंने ये डायरेक्ट लैपटॉप से कनेक्ट की हुई है। इसके अलावा यहाँ दौलत ही दौलत पड़ी है और क्लॉक पड़ा है, काफ़ी ज़्यादा तगड़ा लगता है। आई होप ये वीडियो पसंद आई होगी। पसंद आई तो लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो।